गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दो हजार सेशन की लास्ट डेट कब है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं आज से 16 अगस्त से जैसे ही अगर मुझे लगेगा कि पोर्टल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों मेरे अगले वीडियोस आएंगे जिसमें बताऊंगा आपको ऑफिशियल तो पोर्टल पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ इसकी लास्ट डेट कब है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूले इससे क्या होगा मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने क्या करना है सबसे पहले आपको अपना फेवरेट ब्राउजर जो भी यूज करते हैं आप वो ओपन कर लेना है अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है वहां पर टाइप करना है आपको एन एस पी पोर्टल सिंपली आपको एन एस पी पोर्टल टाइप करना है यहाँ पर आपको पहले नंबर पर जो वेबसाइट नजर आएगी वो होगी स्कॉलरशिप डॉट जीओवी डॉट इन तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अनाउंसमेंट दिखाई देगा लेटेस्ट अपडेट्स में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्सटींथ अगस्त 2020 यानी आज तो आज से ये स्कॉलरशिप शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पर पोर्टल को चेक करता हूं तो अपलोड करूंगा हाउ टू अप्लाई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आप रिलेटेड हैं जरा सी नेशनल स्कॉलरशिप से तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी लास्ट डेट कहां पर दिखाई गई है अब दोस्तों सोलह अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होते हैं अब यहाँ चलते हैं हम माइनॉरिटी अफेयर्स में तो यहां क्योंकि सेंट्रल स्कीम की बात कर रहा हूँ मैं अगर स्टेट स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप दोस्तों यहाँ पर तीनों स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट देखिए स्कीम क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 दोस्तों अगस्त चल रहा है यानी आधा महीना अगस्त का है और सितंबर और अक्टूबर पूरा है दोस्तों तो ढाई महीने का टाइम आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया है इसके अलावा दोस्तों जो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन है अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है कोई आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल वाले डिफेक्टिव करते हैं फिर उसको रिवेरीफाई करने की पंद्रह नवम्बर की डेट है यानी उसके पंद्रह दिन बाद तक डिफेक्टिव जो होंगे वो वेरीफाई कर दिए जाएंगे उसके बाद में इंस्टीट्यूट से जो वेरीफाई होने हैं फॉर्म वो भी पंद्रह नवंबर तक हो जाने हैं मतलब डिफेक्टिव वेरिफिकेशन के साथ साथ इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी 15 नवंबर तक हो जाना है अब दोस्तों यहां पर हम आपको बताते हैं कि ये जो डेट्स दी हुई हैं, इसमें चेंजिंग होगी लास्ट टाइम पर कब चेंजिंग होगी जब फॉर्म के कुछ दिन रह जाएंगे गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ अभी फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं तो क्या होता है क्योंकि लोग सबसे लास्ट में चलते हैं फॉर्म भरने के लिए तो वहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिनको सही कराने में वो रह जाते हैं और लास्ट डेट निकल जाती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेट बढ़ाती है तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा जैसे ही यहाँ पर इकतीस अक्टूबर से ज्यादा डेट बढ़ती है तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो ये छोटी सी थी जिसमें हम जानकारी देना चाहते थे कि आपको ढाई महीने का टाइम मिला है दोस्तों लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप को और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताना चाहता था ओके okay, फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय